हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बलबीर कोच चैनल में। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण कर रहे हैं, जो शून्य मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, कैसा भी समय हो, इंसान को एक लक्ष्य में जीवन झोंक देना चाहिए। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे देवों के देव महादेव, क्या इंसान को अपने एक लक्ष्य में जीवन झोंक देने से सभी दुख खत्म हो जाएंगे। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, जब इंसान अपने जीवन में किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, तो उस इंसान को बहुत खुशी होती है। कभी कभी यह खुशी इतनी बढ़ जाती है कि इंसान के भीतर अहंकार का जन्म हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जब इंसान अपने जीवन में किसी लक्ष्य को हासिल करने में असफल होते हैं, तो इंसान के मन में निराशा, उदासी और समस्याओं जैसे भाव उत्पन्न होने लगते हैं और वह इंसान बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन यदि उस इंसान को आगे बढ़ना है, तो इन दोनों पर नियंत्रण रखना चाहिए। यदि इन दोनों पर नियंत्रण रखते हैं, तो इंसान बहुत आगे जा सकते हैं और इंसान अपने जीवन में और भी बड़े लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। हे देवी, आपने देखा भी होगा कि जब कोई व्यक्ति किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करता है, तो उसके मन में घमंड का भाव उत्पन्न होने लगता है। वो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता, यहाँ तक कि वह छोटे और बड़े का लिहाज तक भूल जाता है। उसे अपने सामने कोई नहीं दिखाई देता, यहाँ तक कि वो खुद को भगवान तक मानने लग जाता है और यह अहंकार इतना बढ़ जाता है कि वो दूसरों का अपमान करने से भी नहीं चुकता। क्या उसके लिए गलत है और क्या सही, यह भी उसे पता नहीं चलता। पर दूसरी तरफ यदि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को हासिल करने में चूक जाता है, तो उसका मन निराशा से भर जाता है, वह उदास हो जाता है, उसे दुख घेर लेते हैं, उसे कुछ भी नजर नहीं आता, वो इतना परेशान हो जाता है कि उसके मन में हजारों विचार उत्पन्न होने लगते हैं, उसकी सारी उम्मीदें पल भर में टूट जाती हैं, सारी आशाएं पल भर में बिखर जाती हैं, उसे अपना जीवन भी निरर्थक लगने लगता है। उसने जो मेहनत की, जो कोशिश की, वह सब उसे बेकार लगने लगती है। यहाँ तक कि उस हार के बाद वो वापस उठ खड़ा हो जाए, उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं रह जाती। लेकिन यदि किसी को एक ऐसा मंत्र मिल जाए जिससे उसकी हार जीत में बदल जाए, जीत के बाद उसके मन में वो घमंड भी उत्पन्न न हो पाए, और यदि वो इंसान हार भी गया, तो उसके मन में उदासी और निराशा के लिए कोई जगह न बचे। हे प्राणनाथ, आप ही बताइए, अगर इंसान को कोई मंत्र मिल जाए, तो क्या कोई भी बाधा, कोई भी तकलीफें, कोई भी परिस्थिति इंसान अपने लक्ष्य को पाने में रोक सकती है? जी हाँ देवी, बिल्कुल नहीं रोक सकती। तो आज की इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि ऐसा कौन सा मंत्र है जो दोनों ही परिस्थितियों में इंसान लिए फायदे का काम करेगा और इंसान जीत में न तो मन में घमंड उत्पन्न होगा और न ही हार में निराशा या उदासीनता का भाव उत्पन्न होगा। इंसान इन परिस्थितियों से पल भर में बाहर निकाल सकते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं, तो पूरा सुनिए, इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने, आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उस व्यापारी का कारोबार बहुत दूर दूर के राज्यों में फैला हुआ था। वह व्यक्ति बहुत ही दयालु था और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता था। व्यापारी संघ में उसकी बड़ी तारीफ होती थी।
कोई भी उससे ऊंची आवाज में बात नहीं करता था और न ही कोई उसे गलत शब्द कहता था। वह व्यापारी इतना व्यस्त रहता था कि उसे खुद के लिए भी समय निकालना मुश्किल हो जाता था। वह हमेशा अपने कारोबार में व्यस्त रहता था और उसके पास तनिक भी समय नहीं था। इस कारण वह अपने आध्यात्मिक ज्ञान से दूर हो चुका था और न ही पूजा पाठ करने का समय था। उसका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद वह बहुत परेशान रहने लगा। वह व्यापारी बहुत ज्ञानी भी था और उसे संसार के नियमों के बारे में पता था कि कोई भी व्यक्ति दिन भर मेहनत करके चाहे कितना भी धन और वैभव कमा ले, अंत समय में वह इसे अपने साथ नहीं ले जा सकता। वह जानता था कि इस दुनिया में पाने जैसा कुछ नहीं होता और न ही कुछ खोने के लिए रह जाता है। अंत समय में हमारे साथ इनमें से कुछ भी नहीं जाने वाला, सब कुछ यही का यही रह जाता है। इस कारण वह और भी ज्यादा परेशान रहने लगा था। उसे अपने कारोबार से थोड़ा भी समय नहीं मिल पाता था कि वह ध्यान कर सके या पूजा पाठ कर सके। वह इसका हल निकालना चाहता था, जिस कारण उसे एक युक्ति सूझी। उसने एक दिन अपने घर में कुछ पंडितों और साधुओं को आमंत्रित किया, सभी का आदर सत्कार किया और सभी को भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद उस व्यापारी ने उन साधु संतों से एक निवेदन किया और कहा कि साधु संतों, मेरा व्यापार इतना फैला हुआ है कि मुझे थोड़ा सा भी समय नहीं मिल पाता। मैं अपने काम में इतना व्यस्त रहता हूँ कि अपने लिए भी समय नहीं निकाल पाता हूँ। मैंने कई बार कोशिश की है, लेकिन समय निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भी कोई इच्छा हो और तुम अपने इच्छाओं को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते हो तो अब भी टाइप करें। महादेव जी का भाग्यशाली अंक 333, हर हर महादेव। ऐसे में मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं बड़े बड़े शास्त्र पढ़ सकूं या ग्रंथों को पढ़ सकूं। उन शास्त्र और ग्रंथों के ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकूं, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर बस एक छोटी सी विनती करता हूं। क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं, कोई ऐसा मंत्र बता सकते हैं, जिसमें सारे शास्त्रों और उन मोटे मोटे ग्रंथों का एक निष्कर्ष हो, जिससे मुझे उनका मूल पता चल सके और उस ज्ञान को मैं ग्रहण कर सकूं और अपने जीवन में उतार सकूं। आप में से जो कोई भी मुझे ये मूल मंत्र लाकर देगा, मैं उसे मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। उस व्यापारी ने उन साधु संतों को एक हफ्ते का समय दिया और कहा, इस एक हफ्ते के बाद आप में से जो कोई भी मुझे वो मूल मंत्र देगा, मैं उसे वो हर चीज दूंगा जो वो चाहता है। साधु संतों ने उस व्यापारी की बात मान ली। वे सभी उन बड़े बड़े ग्रंथों और शास्त्रों को लेकर बैठ गए और उनमें से कोई एक ऐसा मूल मंत्र निकालने की कोशिश करने लगे, जिसमें उन मोटे मोटे ग्रंथों और शास्त्रों का सार हो, जिससे केवल एक पंक्ति में समेटा जा सके। धीरे धीरे एक के बाद एक दिन बीतते चले गए और इस प्रकार एक सप्ताह यूं ही बीत गया। वे सभी साधु संत वापस उस व्यापारी के घर गए और उन्होंने व्यापारी से क्षमा मांगी और कहा, हमने सभी शास्त्रों और ग्रंथों को पढ़ा, उन्हें समझने की कोशिश की और उनका सार निकालने की कोशिश की ताकि वो एक पंक्ति में समेटा जा सके, लेकिन हम इसमें असफल रहे। मुझे कोई ऐसा उपाय या मंत्र नहीं मिला जिसे एक वाक्य में बताया जा सके। आप खुद सोचिए, इतने बड़े ग्रंथों और शास्त्रों को एक वाक्य में कैसे समेटा जा सकता है। इस पर वह व्यापारी कहता है, हे साधु संतो, इसका कोई न कोई उपाय अवश्य होगा और मैं इसे जरूर ढूंढूंगा। अगर आप लोग यह नहीं कर सकते तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, आप लोग निराश न हो, मैं इसका जवाब अवश्य ही ढूंढ लूंगा। वह हर जगह इसका उपाय पता करने लगता है और इनाम भी रखता है कि जो कोई भी उसे उपाय या मंत्र बताएगा, उसे वह मुहमांगी कीमत देगा। धीरे धीरे एक महीना बीत जाता है और अभी तक उसे वह मंत्र नहीं मिल पाता। एक दिन व्यापार के सिलसिले में वह दूसरे व्यापारी से मिलता है। त
तभी उसे पता चलता है कि मगध राज्य में एक साधु रहते हैं, जिनके पास उसकी समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। वे साधु बहुत महान और ज्ञानी थे। जो भी उनके पास जाता वह कभी खाली हाथ वापस नहीं आता था। दूसरे व्यापारी की बात सुनकर वह सेठ अगले ही दिन मगध राज्य के लिए निकल पड़ता है। काफी दूर सफर करने के बाद आखिरकार वह मगध राज्य में पहुंच जाता है और तुरंत ही उन साधु के आश्रम में जाता है। आखिरकार वह मगध राज्य में पहुंच जाता है और तुरंत ही उन साधु के आश्रम में जाता है। वहां एक व्यापारी देखता है कि एक साधु बड़े से पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे हैं। वह उनके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उनके ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगता है। जैसे ही साधु अपनी आंखें खोलते हैं और ध्यान से बाहर आते हैं, वे देखते हैं कि एक व्यापारी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। साधु व्यापारी से पूछते हैं, बताओ तुम्हें क्या समस्या है। इस पर व्यापारी अपनी सारी समस्याएं उन्हें सुना देता है। साधु कहते हैं, व्यापारी तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा और ना ही ऐसा कोई मंत्र है जिसमें सारे ग्रंथों और शास्त्रों का सार हो। तभी व्यापारी साधु के चरणों में गिर जाता है और उनसे विनती करता है, हे गुरुवर, इसका कुछ न कुछ तो अवश्य होगा। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, लोग आपकी प्रशंसा करते हैं कि जो कोई भी यहाँ अपनी समस्या लेकर आता है वह यहाँ से उसका निवारण लेकर ही जाता है। कोई भी यहाँ से निराश नहीं गया, मैं भी यहाँ से निराश नहीं जाना चाहता। यह सुनकर साधु व्यापारी से कहते हैं, मुझे मेरे गुरुवर ने एक ताबीज दी थी और कहा था कि इस ताबीज को खोलने पर तुम्हें दो पर्चियां मिलेंगी, एक हरे और एक लाल रंग की। जब भी तुम्हें लगे कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो, तब हरे रंग की पर्ची को खोलना, उसमें लिखे हुए मंत्र को पढ़ना और उसे समझने की कोशिश करना, जो तुम्हें हर परिस्थिति से बाहर निकाल देगा। और जब तुम्हें लगे कि अब मैंने बहुत धन कमा लिया है, मेरे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, अब मुझे और धन कमाने की कोई जरूरत नहीं है, तब लाल रंग की पर्ची को खोलना। इतना कहते हुए साधु ताबीज को निकालकर व्यापारी को सौंप देते हैं और कहते हैं, यह ताबीज मेरे काम नहीं आई क्योंकि मेरे जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं हुई, लेकिन हो सकता है कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ जाए और बहुत जल्द तुम्हें इसकी जरूरत भी पड़ने वाली है। साधु से ये सारी बातें सुनकर वह व्यापारी उस ताबीज को ले लेता है और अपने गले में पहन लेता है। साधु को प्रणाम करके वह वापस अपने घर की ओर चल पड़ता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। काफी दिन बीत चुके थे, एक महीना बीत चुका था और फिर धीरे धीरे साल भी बीत गया। उसके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। कभी कभी उसके सामने छोटी मोटी तकलीफें आ जाती थीं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भी कोई इच्छा हो और तुम अपने इच्छाओं को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते हो तो अब भी टाइप करें। महादेव जी का भाग्यशाली अंक 333। हर हर महादेव। जिनका हल वह चुटकियों में निकाल लेता था। कभी कभी व्यापार में उसे थोड़ा बड़ा घाटा भी हो जाता था, लेकिन उससे उसे कोई तकलीफ नहीं होती थी। धीरे धीरे समय इसी तरह बीतता गया। जब भी कोई परेशानी उसके सामने आती तो उसे अपने गले में पहनी हुई ताबीज की याद जरूर आती, लेकिन साधु ने कहा था कि जब बहुत ज्यादा जरूरत हो, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, तभी इस ताबीज को खोलना और इसके हरे रंग वाली पर्ची को पढ़ना। लेकिन उससे पहले यदि तुमने इसे खोला तो इसमें लिखा हुआ मंत्र तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। यह सोचकर वह उस ताबीज का इस्तेमाल नहीं करता और अपने व्यापार के अनुभव का इस्तेमाल करके उन समस्याओं को हल कर लेता था।
धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन समय बदलते देर नहीं लगती। जैसे उजाले के बाद अंधेरा आता है, वैसे ही अच्छे समय के बाद बुरा समय भी आता है। उसी तरह अच्छी परिस्थितियों के बाद बुरी परिस्थितियां भी आती हैं। एक समय ऐसा आया जब उस व्यापारी को अपने व्यापार में बहुत बड़ा घाटा होने लगा। उसका पूरा व्यापार धीरे धीरे चौपट हो गया और वह सड़कों पर आ गया। जो कुछ भी उसने कमाया था, जो कुछ भी उसके पास था, वह सब खत्म हो चुका था। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था, बस एक घर ही बचा था। जैसे ही वह अपने घर की ओर जा रहा था, उसने देखा कि उसके घर में आग लग चुकी है। बहुत कोशिशों के बाद भी वह आग बुझ नहीं पाई और उस आग ने उसका सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि उसका पूरा परिवार भी उस आग में खत्म हो गया। व्यापारी अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। उसके पास अब कहने के लिए कुछ भी नहीं रह गया था। जो व्यापारी उसके संगी थे, उसके मित्र थे, जो उससे मदद लिया करते थे, आज वे भी उसका साथ देने से मना कर रहे थे। वे लोग कहते थे कि इसका तो बुरा समय चल रहा है। वे सभी उस व्यापारी का साथ छोड़कर भागने लगे। उसके संघ ने भी उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। उसके जीवन में निराशा, हताशा और दुखों के अलावा अब कुछ और नहीं था। उसने अब सब कुछ खो दिया था। वह इतना ज्यादा परेशान हो चुका था कि अब उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वह सोचते सोचते एक तालाब के किनारे पहुंचा। वह उस तालाब में अपने आप को देख ही रहा था कि तभी उसकी नजर अपने गले में पड़ी हुई ताबीज पर गया। तभी उसे उन साधु की बात याद आई कि जब तुम्हारे ऊपर कोई बहुत ही बड़ी आपदा आ जाए, तकलीफ या फिर मुसीबत में पड़ जाओ और तुम्हें कुछ भी समझ न आए, तब तुम इस हरे रंग की पर्ची को खोलना। उसने तुरंत ही अपने गले से वह ताबीज निकाली और उसमें से उस हरे रंग की पर्ची को खोला। जैसे ही वह पर्ची को खोलता है और पढ़ता है, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। उसके मन में एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है, क्योंकि उस पर्ची में लिखा होता है, यह वक्त है और वक्त कभी नहीं रुकता, वक्त गुजर जाएगा। यह पढ़ने के बाद उसके मन को बड़ी शांति मिली। उसने वापस से हिम्मत करी और आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। उस व्यापारी ने अपने मित्र व्यापारी से कुछ धन कर्जे में लिया और फिर से एक नया व्यापार शुरू किया। व्यापारी को व्यापार का अनुभव तो पहले से ही था, उसने उसी अनुभव का इस्तेमाल किया और व्यापार चलने लग गया। इस बार उसके पास पहले से भी ज्यादा धन था। वह इतना ज्यादा धनवान हो चुका था कि अब सारे व्यापारी जो उसे छोड़कर भागे थे वापस उसके पास आने लगे। उसका व्यापार दूर दूर तक राज्यों में फैल गया और तेजी से बढ़ने लगा। अब उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह व्यापारी और भी ज्यादा धनवान होने के बाद उसने दूसरा विवाह भी कर लिया और उसके दो बच्चे भी हो गए। धीरे धीरे व्यापार बढ़ता ही गया, समय बीतता गया, महीने फिर साल। उसने धीरे धीरे सब कुछ हासिल कर लिया था और अब उसे कुछ और पाने की इच्छा भी नहीं थी, क्योंकि वह अब बूढ़ा हो चुका था और जीवन में उसे जो कुछ भी पाना था वह उसने पा लिया था। उसके बच्चे अब बड़े हो चुके थे और उन्होंने उसके व्यापार को भी संभाल लिया था। अब उसके मन में और धन कमाने की कोई इच्छा नहीं बची थी। तभी उसे साधु की दूसरी बात याद आई। साधु ने कहा था, जब तुम्हें लगे कि तुमने जीवन में सब कुछ हासिल कर लिया है और अब तुम्हें और कुछ हासिल करने की जरूरत नहीं है, तब तुम इस ताबीज की लाल रंग की पर्ची को पढ़ना। वह तुरंत ही अपने गले से ताबीज निकालता है और लाल रंग की पर्ची को पढ़ता है। उसे पढ़ने के बाद उसके मुख पर उदासी छा जाती है, क्योंकि पर्ची में लिखा था, यह तो वक्त है,
यह भी गुजर जाएगा। कुछ देर उदास रहने के बाद वह व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगा और सोचने लगा कि दोनों पर्चियों में केवल एक ही बात लिखी थी जिसमें पूरे जीवन का सार भी था। सारे ग्रंथ और शास्त्रों का सार यही तो है। जब भी हम अपने जीवन में हार जाते हैं या हमारा कोई काम नहीं बन पाता, हमारे मन में निराशा उत्पन्न होने लगती है, हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन ऐसी परिस्थिति में अगर हम अपनी सोच को इस तरह से बना ले कि ये तो वक्त है, मेरे प्रिय बच्चे तुम्हारे भी कोई इच्छा हो और तुम अपने इच्छाओं को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते हो, तो अब भी टाइप करें। महादेव जी का भाग्यशाली अंक 333। हर हर महादेव। ये गुजर जाएगा तो इंसान कभी भी हिम्मत नहीं हारेगा और न ही कभी उदास होगा जो इस सच को जान लेता है कि वक्त कभी नहीं रुकता और इसका गुजरना तय है। वह कभी भी जीवन की उलझनों में नहीं पड़ता। वह अपने कार्य को निरंतर करता रहता है और जानता है कि आज नहीं तो कल समय जरूर बदलेगा और जो कुछ उसे हासिल करना है वह उसे हासिल भी कर लेगा। वही यदि कोई व्यक्ति जीतता है और किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करता है तो उसके मन में घमंड भी उत्पन्न हो सकता है कि वही सब कुछ है, लेकिन तो बस यही दिखाई देता है कि हम ही सब कुछ हैं और हमारे बिना कुछ नहीं। इसलिए अपने अहंकार को काबू में रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि समय सबसे बलवान होता है। और दूसरी तरफ यदि आप अपने किसी लक्ष्य को हासिल न कर पाए हो तो निराश होकर बैठने की कोई जरूरत नहीं, फिर से उठिए, क्योंकि यह समय आज नहीं तो कल अवश्य बदलेगा और आपकी मेहनत अवश्य रंग लाएगी। यदि आप लगन और मेहनत से अपने कार्य को करते रहेंगे तो आप अपनी मंजिल को अवश्य ही हासिल कर पाएंगे। और अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जीवन निरर्थक है। न हम कुछ लेकर आए थे और न ही कुछ लेकर जाएंगे, लेकिन जब तक हम इस बात को समझते हैं तब तक यह वक्त गुजर जाता है और हमारे जाने का समय भी आ जाता है। इसलिए अपनी जीत पर न तो अहंकार कीजिए और न ही अपनी हार पर कभी निराश हुए। इंसान अपनी शिक्षाओं में एकाग्रचित होकर अभ्यास करने पर जोर देते हैं। कहते हैं कि हमारे बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें बेहतर, ताकतवर, अमीर और बुद्धिमान बना सकता है। सब कुछ हमारे भीतर है, इसीलिए कुछ भी अपने से बाहर मत ढूंढो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भी कोई इच्छा हो और तुम अपने इच्छाओं को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते हो तो अब भी टाइप करें। महादेव जी का भाग्यशाली अंक 333। हर हर महादेव। सातवीं शताब्दी में एक प्रसिद्ध कसाई होने के बावजूद उन्होंने अचानक से हिंसा का त्याग कर दिया और दुनिया के शोर शराबे से दूर जंगल की एक गुफा में रहने लगे। वहां उन्होंने कई महीनों तक गहरे ध्यान का अभ्यास किया। अपनी मृत्यु के सिर्फ 7 दिन पहले उन्होंने अपने चहेते शिष्य के लिए एक किताब लिखी और इसे नाम दिया दो कोड, जिसका मतलब है अकेले चलने की कला। उन्होंने अपने पूरे जीवन में जो कुछ भी सीखा या अनुभव किया उसे इस किताब के अंदर 21 नियमों में बदल दिया। आज हम इस वीडियो में उन 9 महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि उस महान इंसान ने किस सोच के साथ इस किताब को लिखा होगा और आखिर किन पिलरों पर यह किताब खड़ी है। तो पहला पिलर है आत्मानुशासन। संत का मानना था कि आत्मानुशासन एक खुशहाल जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी चीज है। आत्मनियंत्रण के बिना व्यक्ति अपनी भावनाओं और इच्छाओं का गुलाम बन जाता है, जिससे गलत निर्णय लेकर गलत रास्ते पर चल पड़ता है। जीवन में अनुशासन लाकर हम अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रह सकते हैं और ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो हमारे सिद्धांतों और जीवन मूल्यों से मेल खाते हैं। दूसरा स्तंभ है माइंडफुलनेस यानी जागरूकता। संत मानते थे कि वर्तमान में जीना और जागरूक होकर जीना ही जीवन जीने का सही तरीका है।
जब हम वर्तमान में रहते हैं तो अपने चारों ओर की सुंदरता और अच्छाइयों को देख पाते हैं, उन्हें महसूस कर पाते हैं और छोटी छोटी चीजों में खुश रहने लगते हैं। तीसरा और आखिरी स्तंभ है यानी अनाज शक्ति। संत का मानना था कि बाहरी चीजों और घटनाओं से खुद को जोड़ देना दुख का कारण है। खुद को हर तरह के लगाव से दूर करके ही व्यक्ति आत्म शांति प्राप्त कर सकता है और एक संतुष्ट जीवन जी सकता है। अब हम बात करते हैं उन नियमों के बारे में जिन्हें संत ने अपनी किताब डकोरों में बताया है। इन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति एक सफल, अनुशासित, खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकता है। पहले नियम में वे कहते हैं कि सब कुछ जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लो। यह नियम जीवन की सच्चाई को स्वीकारने के महत्व पर जोर देता है, बजाय इसके कि हम कल्पना करते रहे कि सब कुछ ऐसा होना चाहिए। चीजों को जैसी हैं, वैसा ही स्वीकार कर लेना हमें बेवजह के दुख और तनाव से मुक्त रखता है। साथ ही परिस्थिति की हकीकत को स्वीकार कर लेने से उस क्षण जो भी मौके उपलब्ध हैं, हम उन पर सही से ध्यान दे पाते हैं और उनका सही फायदा उठा पाते हैं। सच्चाई को स्वीकार करना हमारी आंतरिक शांति और संतोष के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जब हम अपने आसपास की चीजों और लोगों को जैसे हैं, वैसे ही स्वीकार करना सीख जाते हैं, तो हमारे अंदर का वह घमंड जो लोगों या बाहरी परिस्थितियों को बदलना और नियंत्रित करना चाहता है खत्म हो जाता है। इससे हम अधिक शांतिपूर्ण तरीके से रह पाते हैं। इस नियम के माध्यम से नियम मोटे संत हमें दुनिया को खुले दिल और दिमाग से बिना किसी पूर्व निर्णय के देखना सिखाते हैं। ऐसा करके हम दुनिया को जैसी है वैसी ही देख पाते हैं, न कि अपनी इच्छाओं और कल्पनाओं के चश्मे पहनकर। हालांकि यह कहना जितना आसान है करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि हर परिस्थिति को स्वीकार लेना आसान नहीं होता, खासकर तब जब हमारी उम्मीदें और सपने टूट जाते हैं या फिर हमारा कोई अपना हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। लेकिन फिर भी सच्चाई को स्वीकार लेने से व्यक्ति अंदर से शांत और हल्का महसूस करता है। जिस व्यक्ति ने परिस्थिति को स्वीकारने की आदत डाल ली है उसके सामने चाहे कितनी भी मुसीबतें आएं, वह हर हाल में मुस्कुरा सकता है। दूसरे नियम में संत कहते हैं कि अपने लिए मजा मत ढूंढो। यह नियम बताता है कि हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य केवल सुख का भोग करना नहीं होना चाहिए। अच्छा भोजन करना, अच्छे कपड़े पहनना और मौज मस्ती करना जरूरी तो है, लेकिन इसमें इतना खो जाना कि अपने जीवन के उद्देश्य को ही भुला दो और हर समय सिर्फ मजे की तलाश में रहो, सुख भोग का त्याग करके व्यक्ति ज्यादा स्थिर और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकता है। हर रोज खुद से पूछो, क्या मेरा जन्म सिर्फ खाने पीने और मजे करने के लिए हुआ है, या फिर मेरे जीवन का कोई मकसद भी है? मजे के पीछे भागना हर व्यक्ति की आंतरिक चाहत होती है, लेकिन यही मजा उसके दुख का कारण भी बनता है। जब हम सिर्फ मजे के पीछे भागते हैं तो हम अपनी आदतों और चीजों के आदि हो जाते हैं। यह नियम हमें मध्य में रहकर जीवन जीने को प्रोत्साहित करता है, यानी न बहुत ज्यादा न बहुत कम। हर चीज को आवश्यकता के अनुसार करो, क्योंकि असली खुशी बाहरी चीजों के उपभोग से नहीं मिलती बल्कि हमारे अंदर से आती है। जब हम सिर्फ तुरंत मिलने वाले मजे के पीछे भागना शुरू कर देते हैं तो हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के आदि हो जाते हैं, यानी हम सिर्फ ऐसा ही काम करते हैं जिसका रिजल्ट हमें तुरंत मिल जाए। हमारा मन बड़ी योजनाओं या बड़े लक्ष्यों पर काम करने की काबिलियत खो देता है। हम किसी भी काम में लंबे समय तक फोकस नहीं कर पाते और जीवन के बड़े लक्ष्यों को हासिल करने से चूक जाते हैं। अगर आप अपने काम में लंबे समय तक फोकस नहीं कर पाते, तीसरा नियम जो हो गया
उसका पश्चाताप मत करो। यह नियम हमें याद दिलाता है कि हम अपने अतीत को बदल नहीं सकते। अतीत में हुई गलतियों या बुरी घटनाओं को याद करके हम केवल दुखी हो सकते हैं। इसलिए बीते हुए कल के बारे में पश्चाताप करने से बेहतर है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और समझदारी के साथ आगे बढ़ें। पश्चाताप एक बीमारी है जो हमें अतीत में फंसाए रखती है और आगे नहीं बढ़ने देती। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भी कोई इच्छा हो और तुम अपने इच्छाओं को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते हो तो अब भी टाइप करें। महादेव जी का भाग्यशाली अंक 333। हर हर महादेव। इस नियम में संत हमें अतीत की गलतियों को स्वीकारने और खुद को बोध दूसरों को माफ करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि आज हम जहां भी हैं, वह अतीत में घटी घटनाओं और लिए गए निर्णयों की बदौलत ही है। ऐसा करके हम स्वयं को अतीत के भार से मुक्त करके वर्तमान से जोड़ने का मौका देते हैं। निश्चित रूप से इस नियम में संत हमें अतीत को भूलने की नहीं कह रहे, बल्कि जिसे बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करके उससे सीखने और स्पष्टता व बड़े उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। चौथा नियम, अपनी अधूरी भावनाओं पर निर्भर मत करो। यह नियम हमें अधूरी भावनाओं के आधार पर निर्णय लेने से रोकता है, जैसे गुस्सा, अति उत्साह, जलन आदि। हम अक्सर अपनी अधूरी भावनाओं के आधार पर निर्णय ले लेते हैं जो आगे चलकर हमारा बहुत नुकसान करते हैं। संत कहते हैं कि व्यक्ति को खुद की गहरी समझ और परिस्थिति के अनुसार ही निर्णय लेना चाहिए। ऐसा करके हम खुद को अधूरी जानकारी के साथ जल्दबाजी भरे निर्णय लेने से बचा सकते हैं, जिसके लिए बाद में हमें पछताना पड़ेगा। ये नियम हमें अपनी अधूरी भावनाओं और उत्तेजनाओं से दूरी बनाने को कहता है। इसके बजाय स्थिर बुद्धि और शांत मन के साथ निर्णय लेने की सलाह देता है। अधूरी भावनाओं के वश में आकर निर्णय लेने की बजाय शांतचित्त होकर निर्णय लेने वाला व्यक्ति खराब से खराब परिस्थिति में भी आसानी से उसका सामना कर सकता है। पांचवा नियम कहता है कि खुद के बारे में हल्का और दुनिया के बारे में गहराई से सोचो। यह नियम हमें विनम्र होना सिखाता है। संत कहते हैं कि व्यक्ति को हर समय सिर्फ खुद के महत्व और खुद के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, यानी व्यक्ति को अपने अहम और घमंड को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, बल्कि खुले दिमाग के साथ इस दुनिया को देखना और उसके बारे में गहराई से सोचना चाहिए। इस दुनिया में बहुत कुछ है जो देखने और विचार करने लायक है, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ खुद तक ही सिमट कर रह जाते हैं। हमें अपने अहम को कम करके लोगों को दया भावना के साथ देखना और उनके साथ पेश आना चाहिए। हमें लोगों से और इस दुनिया से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। हमें प्रकृति की सुंदरता को निहारना और उसे महसूस करना चाहिए। खुद के बारे में कम और इस दुनिया के बारे में ज्यादा उत्सुकता के साथ सोचना चाहिए। संत खुद को कम समझने या खुद की जरूरतों को नजरअंदाज करने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि वो सिर्फ खुद में ही न होकर इस दुनिया के साथ एक मजबूत संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। छठा नियम कहता है कि अपनी इच्छाओं से दूरी बनाकर रखो। संत डिटैचमेंट यानी अशांति की बात कर रहे हैं। वो भौतिक संपत्ति, शक्ति और सुंदरता से खुद को अलग करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें ये सब छोड़ देना चाहिए। पैसा कमाना और शक्ति अर्जित करना गलत नहीं है, बल्कि संत कहना चाह रहे हैं कि हमें इन सब चीजों के साथ रहकर भी उनसे आसक्त नहीं होना चाहिए। यानी उनका उपयोग तो करना है, लेकिन उनसे लगाव पैदा नहीं करना, अपने अस्तित्व को उनके साथ नहीं जोड़ना। अगर वो चीज कल तुम्हें छोड़कर जाती है तो तुम्हें उसका दुख नहीं होना चाहिए,
यानी भौतिक पदार्थों के साथ रह कर भी अंदर से उनके साथ दूरी बनाए रखनी है। सातवां नियम है कि कभी ईर्ष्या मत करो। ये नियम हमें बताता है कि जलन और ईर्ष्या इंसान को कहीं नहीं पहुंचने देती है। ऐसी स्थिति में इंसान का ध्यान सिर्फ उन चीजों पर होता है जो उसके पास नहीं है। वह उन चीजों को नहीं देख पाता जो उसके पास है। सामने वाले की वस्तु, उसकी विशेषता या उसकी सफलता देखकर जलता रहता है और खुद आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर पाता। जलन व्यक्ति को नकारात्मकता से भर देती है, जिससे वह सामने वाले का कम और खुद का ज्यादा नुकसान कर बैठता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि जिसने जिस स्तर की मेहनत की है, उसे उसी स्तर की सफलता जरूर मिलनी चाहिए और हमें इससे जलन नहीं बल्कि खुशी महसूस करनी चाहिए, क्योंकि उतनी मेहनत करके हम ही वो चीज या सफलता हासिल कर सकते हैं। हमें समझना चाहिए कि हम सब की परिस्थिति अलग थी, रास्ते अलग थे, सोच और मेहनत अलग थे, इसीलिए सफलता भी अलग अलग स्तर की ही मिलेगी। हम अपने अंदर की ईर्ष्या को खत्म करके ज्यादा शांत और खुशहाल जीवन जी सकते हैं, लोगों से ज्यादा सीख सकते हैं और उनके साथ गहरे संबंध बना सकते हैं। आठवां नियम है कि अलग होने से कभी दुखी मत हो। इस नियम में संत समझाना चाहते हैं कि अलग होना इस प्रकृति का एक स्थायी नियम है। हर किसी को कभी न कभी किसी न किसी से अलग होना ही पड़ेगा। यह जीवन स्थायी है, यह दुनिया स्थायी है और हमें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। संत जीवन भर भारत की यात्रा करते रहे, लेकिन उन्हें कभी भी किसी के अलग होने से तनिक भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने स्वीकार लिया था कि अलग होना प्रकृति का नियम है और इस नियम के खिलाफ जाकर हम केवल दुखी हो सकते हैं और कुछ नहीं। नवा नियम क्रोध और शिकायत खुद के लिए और दूसरों के लिए, दोनों के लिए हानिकारक है। यह नियम हमें नकारात्मक ऊर्जा की जीवन बर्बाद कर देने वाली शक्ति के बारे में चेतावनी देता है, जिसके बस में आकर लोग एक दूसरे के प्रति कड़वाहट और गुस्से से भर जाते हैं। संत कहते हैं कि क्रोध और शिकायत करने की बजाय व्यक्ति को शांतिपूर्ण तरीके से बीच का समाधान निकालना चाहिए। संत ने जीवन भर तलवारबाजी की और बड़े से बड़े खूंखार युद्धों को हराया, लेकिन उन्होंने कभी भी कोई शिकायत नहीं की। वो हर लड़ाई के दौरान खुद के दिमाग को बर्फ की तरह ठंडा रखते थे और कभी भी अपनी योजना को दोहराते नहीं थे। हर बार एक नई योजना के साथ ही लड़ते थे, इसीलिए शायद वो कभी नहीं हारे, क्योंकि संत के काम में अगर एक सेकंड के लिए भी मन विचलित होता है तो उनका सिर धड़ से अलग हो सकता था। इसीलिए संत सिखाते हैं कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, खुद को शांत रखो और शिकायत करना छोड़ दो। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल बलवीर कोच्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। कमेंट में हर हर महादेव लिख देना। हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नम शिवाय। नमस्कार दोस्तों।